हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 15 जून 2022 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही हम बात करेंगे इनके जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। और 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कार्ल लैंड स्टीनर का जन्मदिन होता है और उन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत कब हुई है? ये 2005 में शुरू हुई है। और अगर हम बात करें कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ को और सर्वग्राही एबी को कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला, 12 जून 2022 को किसने दुनिया के सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? तो अभी तक तो अगर देखा जाए यहाँ पर पहले जो थे थाईलैंड के राजा थे भूमिबल अदुल्लाथिस, लेकिन अब जो है वो हमारी एलिजाबेथ द्वितीय, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। ये दूसरी बनी है जो हमारा 70 साल तक, जो अगर देखा जाए 70 साल तक इन्होंने ब्रिटेन पर राज किया है। जो लुई 14वें थे इन्होंने 72 सालों तक किया था। और सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा राज किसी ने किया है तो वो भूमिबल ने किया है, ये थाईलैंड के राजा थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 19वां संग्रीला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो इसकी अगर बात करी जाए शांग्रीला डायलॉग, तो यहाँ पर अगर बात आती है एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन है ये, उसके लिए ये किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट है अगला, 12 जून 2022 को कौन विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं गुरु नायडू सेनापति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, 13 जून 2022 को जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अगर बात आती है कौन शीर्ष पर रहा है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए शीर्ष पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है कि ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में जम्मू कश्मीर टॉप पर है। और अगर हम इसी में बात करें कि यहाँ पर जो हमारे दूसरे, अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट में कौन है सबसे आगे, तो नॉर्थ ईस्ट में है नागालैंड। और अगर बात आती है राष्ट्रीय जलवायु ऊर्जा सूचकांक में कौन सा राज्य आगे था, तो गुजरात था। और ई गवर्नेंस में भी हमारी दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी ए है, ए कैटेगरी में हमारा केरल, बी कैटेगरी में हमारा उड़ीसा। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किसे दिया गया है ये प्रभार दिया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो वाहनों की निगरानी मतलब अगर देखा जाए कि जो एक्सीडेंट वगैरह हो वो कम से कम हो, तो उस वजह से वाहनों की निगरानी शुरू की जाएगी। और किस राज्य ने करा है? तो ये करा है केरल राज्य ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है? तो ये जो पेटेंट मिला है ये मिला है भार्गव श्री प्रकाश को। तो ये बात ध्यान रखनी है किसको मिला है, ये भार्गव श्री प्रकाश को अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट मिला है। और किसके लिए मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है, डिजिटल वैक्सीन के लिए मिला है। नेक्स्ट अगला, वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद कर दिया जाएगा? तो हम जो सबसे पहले इंटरनेट यूज करते थे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज करते थे, लेकिन आजकल उसकी कोई भी डिमांड नहीं है, तो इस वजह से अब माइक्रोसॉफ्ट उसे बंद करने वाला है। और कब बंद करेगा? इसे बंद करेगा ये 15 जून 2022 को। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया ये हो कहाँ रहे थे, ये हो रहे थे हरियाणा के पंचकुला में। और हरियाणा में ही अगर बात आती है यहाँ पर जो हरियाणा राज्य है उसी ने ही यहाँ पर सबसे शीर्ष पर पदक हासिल किए हैं, 52 पदक इसने, 52 गोल्ड इसने हासिल किए हैं। तो ये हमें याद रखना है हरियाणा में ही हो रहे थे और हरियाणा ही इसमें क्या है शीर्ष पर है, और हरियाणा के पंचकुला में हो रहे थे। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? अमेरिका में। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।